भारत न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला हैमिल्टन के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, जैसे ही टीम ने 4.5 ओवर का गेम पूरा किया उसी दौरान बारिश ने मुकाबले में खलल डाला और लगातार बारिश जारी रही। 22 रन टीम इंडिया ने उस वक्त तक बना लिए थे और टीम इंडिया ने एक भी विकेट अपना नहीं खोया था। शिखर धवन और शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए उस वक्त तक बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए। भारतीय टीम ने संजू सैमसन के साथ शार्दुल ठाकुर को भी प्लेइंग 11 से बाहर किया। उनके बदले दीपक हुड्डा और दीपक चहर को टीम में शामिल किया गया। बता दें कि इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल सा आ गया, क्योंकि टीम इंडिया के फैंस और साथ ही संजू सैमसन के फैंस संजू को प्लेइंग 11 में नहीं देख रहे थे। इसके बाद लगातार संजू सैमसन ट्रेंड होने लगे और लगातार लोगों ने एक ही सवाल खड़ा किया कि आखिरकार जब लगातार संजू सैमसन रन बना रहे हैं तब उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक यूज़र जिसका नाम लकी है, उसने लिखा कि BCCI आपका शुक्रिया, आपने ये प्रूव किया कि हम आपको सपोर्ट क्यों ना करें। ये क्लियर है कि आप बड़े टूर्नामेंट में क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। संजू सैमसन के लिए हमें बुरा लग रहा है। एक यूज़र ने लिखा कि ये संजू सैमसन के साथ इनजस्टिस है, क्योंकि आप इतने बेहतरीन खिलाड़ी का करियर बर्बाद कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा कि मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं जो संजू सैमसन के फैंस हैं, आप सभी एक हैशटैग चलाइए, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। एक यूज़र ने लिखा कि जब संजू सैमसन क्रिकेट में और प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है तो उनके बिना क्रिकेट भी नहीं है। एक यूज़र ने आगे लिखा कि संजू सैमसन होना भी अपने आप में आसान नहीं है, आपको अपने आप को साबित करना होता है। आप बल्ले से, ग्लव से, यानी कि विकेट कीपर से लगातार अपनी टैलेंट को साबित कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैनेजमेंट आपको चांसेस नहीं दे रहा है। इसके अलावा एक यूज़र ने एक ज़बरदस्त मीम बनाते हुए संजू सैमसन का सपोर्ट किया और लिखा #संजू सैमसन। लगातार यूज़र संजू सैमसन के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा एक यूज़र ने तो पूरी तरीके से इसे पॉलिटिक्स यानी कि BCCI में राजनीति बता दिया। उन्होंने लिखा कि BCCI, जब आपके पास इतना शानदार खिलाड़ी है और वाइट बॉल क्रिकेट में जो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तब आप उस खिलाड़ी को चांस नहीं दे रहे हैं। संजू सैमसन को चांस देने चाहिए, आपने एक बार फिर से उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया। यही बताता है कि मैनेजमेंट कितनी स्टूपिड है और साथ ही कितनी प्योर पॉलिटिक्स है। इसके अलावा संजू सैमसन के कुछ फैंस वाली एक तस्वीर को शेयर करते हुए एक यूज़र ने संजू सैमसन का सपोर्ट किया। एक यूज़र ने लिखा कि संजू सैमसन ने 9 ODI मुकाबले खेले हैं, जहां 73.5 की एवरेज से 294 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 106 का है, लेकिन संजू सैमसन ना तो बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज में है और ना ही वह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं। ये बताता है कि किस तरीके से आप उनका करियर पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। एक यूज़र श्रीकांत ने लिखा कि BCCI, एक बार फिर से आपने बता दिया कि क्यों लगातार भारतीय क्रिकेट में डाउनफॉल आ रहा है, आपको क्या परेशानी है संजू सैमसन जैसे इतने बेहतरीन टैलेंट से। लगातार संजू सैमसन अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस की एक ही मांग है कि आखिरकार जब संजू सैमसन ने पिछले मुकाबले में यानी कि भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले मुकाबले में श्रेयस अय्यर के साथ एक बड़ी साझेदारी की, लगभग शतक की साझेदारी को किया, तब भी उन्हें क्यों प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। वहीं ऋषभ पंत को लेकर तो लगातार सवाल खड़े ही हो चुके हैं कि आखिरकार जब ऋषभ पंत रन नहीं बना रहे हैं तब भी उन्हें टीम के अंदर शामिल क्यों किया जा रहा है। आपकी जो कुछ राय है इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।